हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग के दाल के आटे की पूड़ी। तो हमने ये गेहूं का आटा लिया है, इसमें हमने अजवाइन डाला है और नमक डाला है। इसके बाद में ये लाल मिर्च, हरी मिर्च और धनिया, हरा धनिया ये डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये मूंग की दाल का आटा। हमने इसमें हींग भी डाली थी, हमने इसको डाल दिया। हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको पानी डाल के और अच्छे से भून लेंगे। नहीं, मैं नहीं लगाऊँ। ये हमने आटा, ये देखो ऐसा। अब इसको हम लोग रेस्ट के लिए रख देंगे। तो बहुत अच्छी लगती है गाइस, आप इसमें दाल पीस के भी डाल सकते हैं। और मैंने ये आटे का बनाई है तो बहुत अच्छी लगती है। और इसमें अगर आप दाल की बनाते हैं तो हरा धनिया और हरी मिर्च पीस के ही उसके साथ में अदरक वगैरह सब उसके साथ डालें। लेकिन तो फ्रेंड्स, ये हमने पूड़ियाँ बेली है, ये इधर तेल गर्म हो गया है, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। ये देखो, ये कभी फूलती है कभी नहीं फूलती है, क्योंकि इसमें साबुत मिर्ची वगैरह ये वो थी ना, हरी मिर्ची और वो धनिया, तो इस वजह से। लेकिन देखो ये फूल गई है, फूली फूली पूड़ी, बहुत टेस्टी लगती है गाइस। बना के ज़रूर देखिएगा और कमेंट कीजिए कि आपको पूड़ी कैसी लगी बना के। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो ये देखो पूड़ी कैसी हो गई है। तो ये था आज की हमारी रेसिपी।